मैं मध्यम वर्ग से आता हूं, इस देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं, फिर भी सरकार किसी की भी हो दोस्तों, हमेशा बस में ही ठगा जाता हूं। मैं मध्यम वर्ग से आता हूं, ना मैं गरीब हूं ना मैं अमीर हूं, इसलिए सरकार की नजरों से भी दूर हूं। इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य किरदार हूं, सारे टैक्स भरता हूं साहब, फिर भी कर्जदार हूं। कुछ तो मेरे लिए भी होगा संविधान में साहब, देखिए ना, मैं भी मजबूर बेबस और लाचार हूं। मैं मध्यम वर्गीय परिवार हूं। छोटा मोटा व्यापार करते हैं साहब, उसी से अपना घर परिवार चलाते हैं। कुछ भी तो नहीं मांगते आपसे, ना कर्जा माफ कराते हैं, अरे किसी का लाखों का तो किसी का अरबों का ऋण माफ कराते हो, मेरा तो किसी योजना में जिक्र भी नहीं करते साहब, कौन सी दुश्मनी निभाते हो? अरे व्यापार संकट में हो तो भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं, भूखा रहकर उपवास के फायदे बताता हूं, किसी से उम्मीद नहीं कर सकता, फिर भी मैं सबकी उम्मीद हूं, बाजारों की रौनक मुझसे है साहब, मैं ही दिवाली हूं, मैं ही ईद हूं। जो जीएसटी आपको आज तक समझ ना आई, हम हमारी बात नहीं कर रहे, आपको भी समझ में नहीं आई साहब, जो जीएसटी आपको आज तक समझ ना आई हम उस पर काम करते हैं, आपके वेतन और भत्ते समय से निकल सके इसलिए टैक्स भरते हैं, गरीबों के हितों की योजनाओं का हम स्वागत करते हैं, फिर भी आप सब हमें नजरअंदाज करते हैं। बस एक निवेदन करना चाहता हूं साहब कि मध्यम वर्ग पर भी कुछ ध्यान दीजिए, कि अमीरों और गरीबों के बीच का पिसता हुआ दर्द हूं, मुझ पर भी ध्यान दीजिए साहब, मैं मध्यम वर्ग हूं। और अंत में दोस्तों, जाते जाते दो पंक्तियां और कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश से मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा, सरकार की नीतियां ऐसी चल रही हैं कि मध्यम वर्ग का खत्म होना तय है, देश चलाना तो दूर की बात है साहब, सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा।